हनी, बिस्तर के नीचे कोई है। मुझे डर लग रहा है। हॉरर मूवी की शुरुआत जैसा लग रहा है, पर असल में ये कहानी है कि जुड़वा बहनें होने में कितना मजा आ सकता है। ये रहा अच्छा उदाहरण। एक सैलून में अपने नाखून करवाएं, अब सब कुछ तैयार है। नेल टेक ने बढ़िया काम किया। मैनिक्योर कमाल का है। ओह, कौन खटखटा रहा है? मुझे लगता है कि कोई है, मैं जाकर देखती हूँ। और अब समय है जगह बदलने का। हे एलिस, ध्यान दो। जुड़वा बहन पर्दे के पीछे से प्रकट होती है। जल्दी करो किसी के आने से पहले। नेल टेक वापस आ गई। ओह रुको, तुम्हारा मैनिक्योर कहाँ गया? मुझे याद है मैंने तुम्हारे नाखून पहले कर दिए थे। उसे खुद पर शक करने जैसा बना देगा। पर क्लाइंट्स के हाथ झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हें जमकर बहुत मेहनत करनी चाहिए। एक दिन में बहुत सारे नाखून। शायद तुम कंफ्यूज हो गई थी। अब ट्विंस ने कुछ पैसे बचा लिए। उन्होंने आर्टिस्ट को मना लिया और एक मुफ्त मैनिक्योर मिल गया। बाहर प्रैंक करने के भी काफी सारे अवसर होते हैं। हे, क्या तुम इस टेप मेजर को पकड़ सकते हो? मुझे कुछ नापना है। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं। मैं हैरान हूँ कि वो क्या नाप रही है। बहुत दूर जाने के लिए काफी टेप नहीं है। अगर तुम आगे का प्लान करते हो तो पूरे ब्लॉक के लिए टेप काफी होगी। वाह, तुम पहले से ही यहाँ हो क्या? एक सिटी ब्लॉक को टेप मेजर से नापना क्या चल रहा है? लगता है जैसे लड़के को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है। क्या मुझे यकीन है कि मेरे कप में सिर्फ कॉफी थी? लड़कों का मजाक बनाना ट्विंस की एक मनपसंद एक्टिविटी है। एलिस का बॉयफ्रेंड आ गया है। ये उसका बर्थडे है, इसलिए रेयान फूल लाया है। जूलिया दरवाजा खोलती है। फूल मेरे लिए? ये तो नाउम्मीद था। बेशक लड़कियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, पर अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से बुके लेना अजीब लगता है। बस एक चीज है, रेयान को ये एहसास नहीं था कि एलिस को तोहफा नहीं मिला है। वो ये रही। रुको, क्या तुम घर पर नहीं थी? मैं बस, ओह नहीं, बुके गलत हाथों में चला गया। ये एक आपदा है, इसे जल्दी ठीक करना होगा। ओह, ये एक सरप्राइज है। अपनी आंखें बंद करो। और ये रहा बुके। फ्यू, अच्छा हुआ कि फूलों वाला स्टोर अभी खुला है। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसकी फोटो एक लॉकर सजावट के लिए शानदार आइडिया है। वो खूबसूरत है, उसके सारे दोस्त जलते हैं, यहाँ तक कि माइकल के पास भी कोई जवाब नहीं। रुको, जब उसकी हूबहू कॉपी पीछे से प्रकट होती है, तुम सोच सकते हो कि तुम सपना देख रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? वो यहाँ थी और फिर वहाँ। ये लाजवाब है। ओह, ये रहा एक और वर्जन। और वो दोबारा? हम पागल तो नहीं हुए हैं ना दोस्त? हालांकि जुड़वा बहन का होना ना सिर्फ मजेदार है बल्कि उपयोगी भी है। पुलिस जूलिया पर जुर्माना लगाना चाहती है। बड़ी बात, उसने गलत जगह पर पार्क किया था। मैं जुर्माना नहीं भरना चाहती। और क्या हो अगर हम एक्शन लें? ये जस्टिफाइड रिस्क है। अपने जुड़वा बहन को अपने साथ काम करने के लिए ले आओ। पुलिस वाला शायद सोचता है कि वो डबल है। अगर वो नहीं भी है तो भी बहनें उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करेंगी। वो सच में कड़ी मेहनत करती हैं। पर पुलिस बढ़िया उपाय ढूंढती है। दो बहनें, दो टिकटें। और ये रही दूसरी मजेदार स्थिति, अपने बॉयफ्रेंड के माता पिता से मिलना। तुम यहाँ कैसे घबरा नहीं सकते? ये रहे लव बर्ड। हालांकि एलिस काफी घबरा रही है, तुम उससे एक शब्द नहीं निकलवा सकते। वो उसकी तरह बिल्कुल नहीं लग रही है। बुरी बात है, वो बहुत घबरा रही है। माफ करना, मैं अभी वापस आती हूँ। माता पिता कंफ्यूज हैं। रियान, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी अजीब है? खैर, ये अच्छी बात है कि उसकी एक जुड़वा बहन है। ऑपरेशन द स्विच। एलिस डर के कारण कांप रही है, इसलिए उसे कॉन्फिडेंट जूलिया से बदल दिया गया। अब स्थिति काबू में है। वो एक विजयी वापसी करती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। देखो वो कितनी बोल्ड है। हे, अपने हाथों का ध्यान रखो।
ऐसा लगता है कि उसने रियान के माता पिता का दिल जीत लिया। तो मीटिंग कामयाब रही। बार में एक शाम ठीक है, स्वादिष्ट कॉकटेल्स, एक बढ़िया बातचीत, पर रियान को थोड़ी देर के लिए जाना होगा। और जब वो वापस आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के से फ्लर्ट करता हुआ देखता है। ओह, तुम धोखेबाज, ये लो। हे, तुम क्या कर रहे हो? उप्स, वो एक गलती थी। आखिरकार ये उसकी जुड़वा बहन है और वो जिसके साथ चाहे उससे बात कर सकती है। ये अजीब है, ये लड़कियाँ बहुत कंफ्यूजिंग है। ड्राइविंग टेस्ट को पास करना बहुत जरूरी और तनाव वाला पल होता है। खैर, तुम्हें बस पास होना होगा, चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो। स्टार्टर्स के लिए गाड़ी में आओ, हाथों को शेक करके इसे शुरू करो। और वो चल नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है कि एलिस को इतनी जल्दी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं मिलने वाला, पर हमें पता है कि स्थिति को कैसे बचाना है। बस एक मिनट, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि ये ट्विन कहाँ से आई है। हाँ जरूर, जूलिया उसकी बजाय व्हील के पीछे बैठती है। क्या बदलाव है, वो शांत और आत्मनिर्भर है। कब कब आना और घबराहट कहाँ गई? ऐसा लगता है कि वो सच में टेस्ट पास कर सकती है। शानदार परिणाम। जब तुम सड़क पर खाने के साथ चलते हो, तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए। बैम! और तुम्हारा हॉट डॉग गायब हो गया। पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती और पीछा करना शुरू करती है। पर तुम किसके पीछे भागना चाहती हो, उसके या उसके? क्या मैं डबल देख रही हूँ? वाह, एक बार में दो हॉट डॉग्स, मैं पक्का डबल देख रही हूँ। पहली डेट रोमांचक है ना? यही जूलिया भी सोचती है। पर उसका सारा आत्मविश्वास कहाँ चला गया? जब तुम्हारे पास एक ऐसी जुड़वा हो तो ये खतरनाक नहीं होता। एलिस डेट पर आती है और जूलिया को किनारे से सब कुछ देखने का बड़ी अवसर मिलता है। लड़के ने बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि डेट बढ़िया चल रही है, मजेदार और आसान। समय है स्टेज को छोड़ने का और अपनी बहन को अवसर देने का। तो वो डेट पर है, एक बार में दो लड़कियों के साथ। ऐसा रोज नहीं होता, और अच्छा होता है जब तुम्हारी बहन ने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया हो। अब तुम उसकी कहानियों को सुन सकती हो। एक साथ काम करना सपनों को साकार करता है। जुड़वा बहनें एक जादूगर के लिए आदर्श प्रॉप होती हैं। ये रही एक लड़की, ऑब्रा का डॉब्रा, और अब ये दो हैं, और ये एक जैसी है, जादू। अविश्वसनीय, उसने ये कैसे किया? वो सिर्फ ट्विंस का दोस्त है दोस्तों। एक दोस्त के साथ प्रैंक करना ट्विंस के लिए बहुत आसान होता है। हे, क्या मैं अपना मेकअप ठीक कर सकती हूँ? और जब मैरी अपने फोन में देख रही है, बहनें अपनी अगली ट्रिक करती हैं। किसी ऐसे इंसान को देखना मजेदार है जो तुम्हारी परछाई की तरह दिखता है ना? तुम्हें शीशों की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपने मूवमेंट को जारी रखो। अपनी बहन के नाक पर पाउडर लगाना अच्छा है। एक जिंदा शीशा, क्या मैं जरूर चीज से देख रही होंगी? मैरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। और अब हमें समय पर शीशे को वापस रख देना चाहिए। वो क्या था? ओह, ये भूत वाली मूवी जैसा है। चलो भी, वो मजेदार था। जूलिया उदास है, कैफे वाले उस लड़के ने कभी उसे वापस नहीं बुलाया। तुम मुश्किल समय में कैसे अपनी बहन को आराम और सपोर्ट नहीं दे सकते हो? ओह, मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा लगता है कि रियान के पास बेहतर प्लान है। एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, वो पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। खैर, हम यहाँ हैं। बहुत समय से मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरे पास भी एक जुड़वा भाई है। मेरे भाई से मिलो, ये हैंडसम है ना? मैं और ये एक जैसे दो हैं। वाह, ये एक बढ़िया खबर है। ट्विंस इस दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं।
कि आप कभी ट्विंस के दोस्त रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप ट्रुम ट्रुम पर स्केचेस मिस ना करें।